हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर पप स्लिप की डिज़ाइन। ये स्लिप अभी बहुत ट्रेंड में है, तो चलिए देखते हैं। इसकी लंबाई हम 16 इंच लेंगे, इसकी चौड़ाई हम 10 इंच लेंगे। इसे हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। इसे हम पहले नॉर्मल स्लीव की तरह ही बनाएंगे। ऊपर 8 इंच बच गया है। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और बीच में हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। 10 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 5 इंच पे एक हम मार्क करेंगे और उसके बाद उसे हमें ऊपर की ओर लेके जाना है। देखिए, 5 इंच में मार्क किया है और उसके बाद उसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। 5 इंच जो एक्स्ट्रा है हमने उसे छोड़ दिया है। पहले हम इसे नॉर्मल स्लीव की तरह ही करेंगे। इसकी देखिए चौड़ाई 10 इंच है और 5 इंच पे हमने एक मार्क किया और मार्क करके ऊपर की ओर लाइन लेके गई हूँ। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऊपर आप जितना चाहें, मैंने 8 इंच छोड़ा है, आप चाहें तो उससे ज़्यादा छोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप छोड़ेंगे आपकी पफ उतना ही अच्छा बन के आएगा। ये स्लीव बनाना बहुत ही आसान है और अभी ये बहुत ट्रेंड में है। इसे मैंने कट कर दिया है। लाइनिंग के फैब्रिक पे हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी फैब्रिक चूज करें उसमें आप सॉफ्ट फैब्रिक ना लें, जैसे चंदेरी, साटन, टिशू, ऑर्गेंजा, इस तरह के फैब्रिक लें। इसमें पफ बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और पप के लिए जितना एक्स्ट्रा आप ऊपर कपड़ा छोड़ेंगे उतना ही अच्छा आपकी पप बन के आएगी। पहले आप इसे नॉर्मल स्लीव की तरह ही कट करें। ये स्लीव बनाना बहुत ही आसान है और मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। दोनों पार्ट को हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें बनाने में कोई परेशानी ना हो। बीच से हम एक कट लगा देंगे और अब हम इसमें प्लेटें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेटें जो मैंने डाली है इस पर, आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट साइड में हैं। एक साइड में आपको प्लेटें नहीं डालनी हैं, अपोजिट साइड में प्लेटें डालें और इस बात का ध्यान रखें कि एक साइड में प्लेटें ना डालें। पहले आप इसे पिन से अटैच कर ले, आप चाहे तो सुई धागा का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इस पे एक सिलाई लगा लें। अब हम उस तरफ की प्लेटेड बनाएंगे और देखिए मैंने अपोजिट साइड में डाला है। स्लीप को बराबर करके देख लें, कम ज़्यादा हो तो आप प्लेटें बढ़ा कम सकते हैं, लेकिन दोनों साइड ही इक्वल प्लेटें ही होने चाहिए, बराबर ही, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस साइड मुझे एक प्लेट कम लग रही थी तो मैंने ऑपोजिट से डाल दिया है इसमें।
इस स्लीव को आप फ्रॉक में, ब्लाउज में, क्रॉप टॉप में, लहंगे में बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। और जैसे नॉर्मल स्लीव में हम आगे की ओर कट करते हैं, उसी तरह से मैंने कट कर लिया है। और ये सिलाई खुल गई थी तो वापस से मैंने लगा ली है इस पर। अब हम मेन सिलाई लगा लेंगे। देखिए फाइनल लुक इस स्लीव का, देखिए इस तरह से कुछ आएगा ये। ये ब्लाउज की वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप इसे जाके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्लीव बन के आएगी फ्रेंड्स। मैंने कुछ पिक इसमें लगा दिया है तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।